Hello, good morning, everyone. विजिबल है सबको, आवाज बताओ। और बोर्ड पे अभी तो खैर कुछ लिखा नहीं है, बट सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है, जल्दी बताओ मेरे को। गुड मॉर्निंग। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा हूँ ढंग से। चलो भाई स्टार्ट करें। ठीक है, देखो मैं जयपुर में नहीं हूँ, मैं दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ। वैसे तो जयपुर में भी बहुत, राजस्थान वालों को तो बहुत ही ज़्यादा, मैं रहा हूँ वहाँ पे, इतनी गंदी गर्मी होती है ना दिन में बहुत ज़्यादा। चलो बातें करेंगे बाद में, काम करते हैं पहले। ठीक है ओके। सुबह 10 बजे क्लास लेना इज इक्वल टू सुबह 6 बजे क्लास लेने के बराबर। देखो मेरी आँखें कैसी हो रही है, मेरा मन करता है कि मैं सोता रहूँ। ठीक है, क्या रखा है इस ज़िंदगी में, पढ़ना पढ़ाना, क्या हुआ इससे, सो जाओ चिल मार के। P4 में 12 बोर्ड एंगल कौन से होंगे, शाबाश, आँख खुलने तो मेरी ममता, 12 बोर्ड एंगल दिखाऊंगा। सब अच्छा है, NIT वारंगल बहुत मस्त है। ठीक है, जो मिल रहा है वो मस्त है, समझे, पॉजिटिव चीज, एटीट्यूड बढ़िया रखो, पॉजिटिव वाला। चलो स्टार्ट करते। देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली जो है उसमें हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था। और ये बात ध्यान से समझो कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें तुम्हें, ऐसा अभी बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो सोचेंगे सर क्या ये हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो आप ये बात समझें कि ये जो चल रहा है ऑलमोस्ट ये नीट JEE लेवल चल रहा है, तो एक बार इसको गो थ्रू करना जरूरी है आप सभी लोगों को, चाहे वो आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। देन इसके बाद फिर से एडवांस लेवल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूंगा, देन जैम और नेट के हिसाब से हम चीज़ों को चेंज करते चलेंगे। बट ये अगर आप सोचते हो सीधा सर क्या हम डायरेक्ट तभी मेन ग्रुप को देखना स्टार्ट करें जब आप मेनली हमारे एग्जाम पर्टिकुलर पढ़ा रहे होगे नेट के लिए या जैम के लिए, तो आंसर है नहीं। अगर आपको अभी ये बात पता ही नहीं होगी, क्योंकि जो मैं यहाँ ट्रिक्स बता रहा हूँ, लेट सपोज नाइट्रोजन फैमिली वाली आपको पता ही नहीं है कि अमोनियम कार्बोनेट को हीट करने से क्या, डाइक्रोमेट को हीट करने से क्या प्रोड्यूस होगा, तो वो आगे नेट वाली भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो देखना सब कुछ ही जरूरी है। स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस की जो फैमिली है उससे स्टार्ट करते हैं। तो क्या पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं। देखो फॉस्फोरस के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, तो फॉस्फोरस के काफ़ी सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, उनमें से 3 एलोट्रॉप्स के बारे में बेसिक बातें ध्यान रखो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना होगा तो इनमें से ही आता है कौन कौन से 3 एलोट्रॉप हैं, वो हम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक है वाइट फॉस्फोरस, एक है रेड और ब्लैक भी हो सकता है। अब ये बात ध्यान रखो, इनके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो तो तुम अपने आप भी पढ़ सकते हो कि सर इसके बारे में व्हाइट कलर की जो व्हाइट फॉस्फोरस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आपको अपने आप जरूर पढ़ना है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है इन तीनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसको अगर तुम हीट करोगे 573 केल्विन पर इनर्ट एटमोसफेयर में, किसमें, इनर्ट में, तो ये रेड में कन्वर्ट होता है। रेड को हीट करोगे हाई प्रेशर तो ये ब्लैक में हो सकता है। जितनी ज्यादा एक्टिविटी इस चैप्टर में बना के रखोगे आपों के लिए उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाइट फॉस्फोरस ये P4 मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। अब इसके स्ट्रक्चर ही, एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा सर P4 में 90 डिग्री
कितने 60 डिग्री कितने बोन एंगल है। P4 मॉलिक्यूल पहली बात तो ये समझो टेट्राहेड्रन है, मैंने पहले भी क्लियर किया है टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रन वाले पॉइंट्स को। चार पॉइंट एक यहां एक यहां एक यहां और एक यहां इस तरीके से, नीचे वाले तीनों बिल्कुल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। इसी को हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रन, ठीक है। मैं इनको जोड़ देता हूं क्योंकि एक्चुअल में ये बॉन्ड्स हैं इनके बीच में। पी दिस इज योर पी फोर मॉलिक्यूल। अब देखो इस मॉलिक्यूल में मैंने ये बताया है कि ये वाला बॉन्ड एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे इसकी हाइब्रिडेशन sp3 बोलेंगे, क्योंकि सर वो कहेंगे एक लोन पेयर है और तीन सिग्मा बॉन्ड है। पर सोचने और समझने वाली बात ये है कि वो तो एक थ्योरेटिकल तरीका है कि सर हम मान लें इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, लेकिन मेरा मानना जो है मेरा अपना पर्सनल मानना ऐसा नहीं है कि ये मैंने किसी बुक में पढ़ा है कि जब बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग ये बात भी जानते हैं कि बॉन्ड एंगल ही जब 60 डिग्री है एस के कैरेक्टर पी में तब आते थे जब पी को बॉन्ड एंगल बढ़ाना हो। प्योर पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो खुद किस में होते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल होते हैं 90 डिग्री पे, और ये बॉन्ड एंगल 90 से भी कम करना है तुम्हें, तो तुम क्यों चाहोगे कि इसमें एस के कैरेक्टर हो। ये बात समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब लॉजिकली अगर सोचा जाए तो हम फॉस्फोरस को हाइब्रिडाइज्ड एटम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और अब कुछ बच्चे इस बात के पीछे पड़ेंगे कि सर इसकी तो हाइब्रिडेशन अब हमें जाननी ही है, अब हम जान के ही रहेंगे कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है। तो ये जरा सुनो, ये किसी बुक में मोस्टली, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात पे तुम्हें लगता है कि सर हमें इसके बारे में कुछ पता है, तो ये नहीं कि हमें क्या लगता है, किसी बुक को पढ़ो। और अगर तुम्हें लिखा मिले किसी भी बुक में कि इसकी हाइब्रिडेशन के रिगार्डिंग कोई पॉइंट, तो ही आप लोग कमेंट करेंगे। एक बात जो मैं बहुत ऑब्जर्व करूं, तुम्हें जो लगता है तुम वो कमेंट करते हो, और मैं कहता हूं तुम्हारे और मेरे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है जो किसी बुक का डेटा है, क्योंकि हमारे आंसर तभी सही मानेंगे। मेरे को क्या लगता है मैंने बता दिया, मेरे को लगता है इसमें मैं किसी भी हाइब्रिडेशन को काउंट नहीं करूंगा क्योंकि बॉन्ड एंगल बहुत कम है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, अभी एक बच्चे ने क्लास स्टार्ट करने से पहले पूछ लिया सर 60 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे। तो देखो अगर ये एक 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ये एक 60 डिग्री का है, और इन दोनों के बीच में भी क्या है 60 डिग्री है भाई, यहां से ऊपर फॉस्फोरस है, एक इस तरफ गया हुआ है, एक इस तरफ गया हुआ है, इस तरफ गया हुआ, नीचे तो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ, तो तीन बॉन्ड है ऊपर, तीनों के बीच में कितने एंगल है 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री के यहां कितने हो गए तीन, इसके पास कितने होंगे तीन, इसके पास कितने होंगे तीन, इसके पास कितने होंगे तीन, तो टोटल 60 डिग्री के कितने हो गए 12। बात समझ में आ रही है बात, कि तुम्हें ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग मुझसे ना पूछो। आप इतने दिन से मेरे से चीजों को पढ़ रहे हैं, इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं, और फिर भी अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि सर 60 डिग्री कितने बॉन्ड एंगल होंगे, तो आप सोच क्यों नहीं रहे इसका कि सर आंसर क्या हो सकता है। खुद लग जाओ इसमें कि मैं एक एक एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। बेटा टाइम लगता है, मैं तुम्हें आज ही एक बात समझाता हूं कि टाइम लगेगा और हम टाइम लगाना नहीं चाहते। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर तुम ढूंढ नहीं सकते, लेकिन तुम चाहते हो कि कोई और बता दे तो आसान हो जाए काम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैंने सारे आंसर खुद ढूंढे, तो इसलिए आप भी अपने ढूंढे अपनी लाइफ में। तो 60 डिग्री के हो गए टोटल 12 बॉन्ड एंगल। ये है वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, P4 मॉलिक्यूल इसको हम बोलते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस में जैसे तुमने देख लिया बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, जबकि प्योर पी जो होते हैं वो भी 90 डिग्री पे होते हैं। दैट मींस बहुत ही ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंगुलर स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन या फिर जो एंगल मेरे हाथ इस तरीके से है, ठीक है, और तुम जबरदस्ती इनको पीछे को ऐसे खींचने लगो इधर को, ठीक है, तुम्हें नजर नहीं आएगा लेकिन मेरे को दर्द होएगा। पॉइंट यही है, फॉस्फोरस जो है तुमने उसके जबरदस्ती ऑर्बिटल इस एंगल पे अप्रोच किए हुए हैं, विच मींस कि यहां पर एंगुलर स्ट्रेन है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हैज बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू विच इट इज
वेरी वेरी लेस स्टेबल. लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव, यानी ये रिएक्ट करना चाहता है. तो आप लोग ध्यान रखें क्या पॉइंट व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में, क्योंकि कभी कभी पेपर में जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कौन सा फॉस्फोरस जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. तो आंसर होगा व्हाइट फॉस्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव. क्लियर हो गई ये वाली बात. नेक्स्ट, इसके बारे में जो बाकी पॉइंट है कि ये कैमिनो ल्यूमिनेसेंस शो करता है, डार्क में ग्लो करता है, व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, ये वो पॉइंट है जिसमें आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है. स्पेलिंग अब बहुत टाइम हो गया पॉइजनस लिखे हुए. तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनमें आप लोग अपने आप कुछ इनके बारे में, मैंने क्या होमवर्क दिया आपको, आज ही आप व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में 5 पॉइंट लिखेंगे जो मैंने लिख दिया उसके अलावा ढूंढ के कहीं से, वो आपकी मर्जी, आपके पास कौन सी बुक है, आपके पास नेट है या जो भी है, कि किसमें सोल्यूबल होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं, इट इज अ वैक्सी सॉलिड, व्हाइट वैक्सी सॉलिड. मेरे को बहुत सारी चीजें पता है, पर मैं कह रहा हूं मैं इन बातों को यहां क्लास में बता के क्या मिलेगा, क्योंकि ये चीजें तो आप अपने आप बुक में से लिखेंगे, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. मेरे से पढ़ना भी है तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए जिसमें जो हमें समझने में दिक्कत आ रही हो. प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पढ़ाना कोई बड़ी डील नहीं है. तो आप लोग अपने आप सर्च करेंगे, 5 इंपॉर्टेंट बात व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में लिखेंगे. रेड फॉस्फोरस के बारे में क्या क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे, तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में भी 4-5 प्रॉपर्टीज सर्च करके लिख लेनी है. मैं लिख सकता हूं यहां पर मेरे को पता है मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनको अपनी रैंक लेके आनी है, उनको यहां मस्ती नहीं करनी है, और रैंक लेके आनी है तो जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसको ईमानदारी से लेके चलो. रेड फॉस्फोरस के बारे में यही बात ध्यान रखनी है, जो मैच स्टिक है उसमें ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्स में मैंने फॉस्फोरस से ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं. 11th क्लास से लेके एमएससी वाले बच्चों में मैंने कभी भी रेड फॉस्फोरस पे कोई क्वेश्चन देखे ही नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ काम की बातें बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए. ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखना इट इज द थर्मोडायनामिकली टेम्परेचर के अगेंस्ट मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो फॉस्फोरस की होती है वो कौन सी वाली हो जाएगी, ब्लैक फॉस्फोरस हो जाएगी. क्लियर है? तो ये तो वो बेसिक बातें हैं जो तुम्हें इसके बारे में पता होनी चाहिए थी. अब मैं तुम्हें बात करता हूं कि व्हाइट नेक्स्ट काम की चीजें क्या है. व्हाइट फॉस्फोरस जो है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट कैचेस फायर, इस पॉइंट को जरूर लिखें. आप लोगों को बस ये नहीं पता है कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे ध्यान रखना है. तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है एयर की प्रेजेंस में लिख लो इट कैचेस फायर, दैट मीन्स P4 प्लस O2 विल गिव यू P4O10. बैलेंस करेंगे तो दैट विल गिव 5. ये P4O10 के व्हाइट और डेंस फ्यूम्स होते हैं, लिख लेना. अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें लगेगा सर ये क्या नई बात है, इसमें कुछ भी नहीं है. तो इन्हीं रिएक्शंस को तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, मैं दिखाऊंगा यही रिएक्शन कोई भी किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज हुई है. और तुम सोच रहे हो सर मेन ग्रुप जो है बहुत ही टफ आ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सी रिएक्शन है. तो इनको जब मैं मार्क कर रहा हूं ना किसी ना किसी, क्योंकि मैं 11th क्लास से लेकर आज भी जो बच्चे एमएससी करें उनको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सोचो कि मेरे को सबके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पता है, क्योंकि मैं इतने सारे डील करता हूँ, हर बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ. तो हर एक स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे एग्जाम में या किसी के एग्जाम में आई हुई है, तो ये रिएक्शन पूछी हुई है मैं यूज करूंगा. एंड में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब कोई बच्चा कहेगा सर उनका कोई पॉइंट नहीं रहेगा क्वेश्चन देखने का, सारे पॉइंट याद होने चाहिए. कभी भी वाइट डेंस फ्यूम्स की बात चल रही हो और फॉस्फोरस की बात चल रही हो तो याद रखना P4O10 होगा. अगर सिंपल वाइट फ्यूम्स की बात चल रही है तो HCl याद करो. कई बार कितने क्वेश्चन होते हैं कि मैं बता दूं AlCl3 जो है उसकी बोतल के चारों तरफ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. AlCl3 एक वाइट सॉलिड है, उसकी बोतल के चारों तरफ तुम्हें कभी कभी व्हाइट फ्यूम्स, जैसे तुम ओपन करोगे व्हाइट फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई देगी. तो ये व्हाइट फ्यूम्स तुम्हारे दिमाग में ट्रिगर कर देनी चाहिए चीज कि व्हाइट फ्यूम्स, या तो P4O10 की बताई थी सर ने, HCl की भी बताई थी. तो यहां क्या हो सकता है, हम जानते हैं वाटर एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है और मॉइस्चर प्रेजेंट है तो AlCl3 का हो जाएगा क्या, हाइड्रोलाइसिस. और मैंने बताया था AlCl3 का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम पे है +3 चार्ज, इस पे है -. तो पहले हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन चेक करेंगे हम, जो कंडीशंस मैंने एक सिखाई है. H2O के दो पार्ट हैं, H+ और एक OH.
तो OH वाले एल्यूमिनियम पे जाएंगे और H+ वाला Cl पे जाएगा, तो यहाँ HCl गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है जिसके व्हाइट फ्यूम्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें बात होगी सर व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स की बात चल रही हो, फॉस्फोरस की बात चल रही हो, तो वहां पर P4O10 को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। सिंपल व्हाइट फ्यूम्स की बात चल रही हो और तुम्हें लगता हो देयर इज अ पॉसिबिलिटी सर HCl बनने की, तो आप लोग HCl को भी फोकस कर सकते हैं। NO2 गैस का कलर जो है वो ब्राउन कलर होता है, तो अभी देखना ये जुड़ जुड़ के यही छोटे छोटे पॉइंट हैं जो जुड़ के डिफिकल्ट क्वेश्चन को जनरेट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज है ही क्या, सॉल्यूशन बताने के बाद तो सबको समझ में आ ही जाता है क्या बनना। अच्छा, इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस की सिर्फ दो ही रिएक्शन तुम्हें याद रखनी, एक तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन की इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट कैचेस फायर, दूसरी बातें P4 जो है इसकी रिएक्शन NaOH के साथ भाई जरूर याद रखेंगे, ये IIT एडवांस में सवाल आया हुआ है, बॉइलिंग उबलता हुआ NaOH इन ड्राई एटमोस्फेयर, ड्राई नहीं सॉरी इनर्ट, इनर्ट एटमोस्फेयर में व्हाइट फॉस्फोरस को बॉइलिंग NaOH में हीट करोगे ऐड करोगे तो क्या बनेगा। तो ये जो मैं यहां लिख रहा हूं ना, ये सबसे काम की चीज है, वो है फॉस्फीन गैस। तो यहां से दो चीज प्रिपेयर हो जाएंगी, एक तो फॉस्फीन गैस की प्रिपरेशन एग्जाम में आ जाती है बहुत बार कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज आपने देख लिया व्हाइट फॉस्फोरस से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाई एडिंग इट इन बॉइलिंग NaOH इन द इनर्ट एटमोस्फेयर। कुछ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार नजर आती है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका साइड प्रोडक्ट भी है, ये मैं क्या बोल रहा हूं आज, NaH2PO2 जितने H उतने O, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट में इसको बोल रहा हूं, बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना जितने H हैं उतने ही क्या है O है, और H कितने हैं दो है, दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं सबसे प्राइमरी है फॉस्फीन और दूसरे नंबर पे क्या है हमारा प्रोडक्ट फॉस्फीन की वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं इस रिएक्शन को, तो ये तो प्राइमरी नंबर नंबर वन, नंबर टू, नंबर टू में इसको क्यों दे रहा हूं क्योंकि जितने एच उतने ओ, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस थ्री। IIT एडवांस जो का जो क्वेश्चन था उन्होंने बोला ये जो चीज प्रोड्यूस होगी, अब ये गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको तो मैं डिटेल में अभी स्टार्ट करूंगा क्योंकि इस पर तो दुनिया भर के क्वेश्चन है। फॉस्फीन जो है हम जानते हैं एक ड्रैगो कंपाउंड है, लुइस बेस है, एमोनिया के साथ कंपैरिजन आ सकता है, इसके बारे में ध्यान रखना ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसमें, अगेन फॉस्फीन और Na2HPO4, यानी कि फोर्स मेरे को कैसे ध्यान है सारी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था जब मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं कैंपस पे ऐप के ऊपर कि फॉस्फोरस एसिड जो है H3PO2 इट डिकम्पोज, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है ऑन हीटिंग, और अगर डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो फॉस्फीन प्लस H3PO4 प्रोड्यूस होता है, विच मीन्स प्लस 3 वाला जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो -3 और +5 एक तो अपनी लोएस्ट और एक अपनी हाईएस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये वाली बातें पढ़ाई हुई है मैंने, आंसर इज यस। जितनी भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं आप लोग वो सारी याद रखेंगे, एक एक करके लिस्ट बना के, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं यहां भी वही चीज नजर आए, अगर तुम इस सोडियम को हटा दो एच लगा दो तो ये H3PO2 नजर आएगा तुम्हें यहां, और क्योंकि तुम इसे हीट करते जा रहे हो और हीट करने पे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है तो फॉस्फीन प्लस Na2HPO4। तो देखो IIT एडवांस का कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि इसको तुम हीट करने पर एक कंपाउंड मिलता है A+B, ए की रोटन स्मेल कैसी थी, रोटन फिश लाइक स्मेल थी, बी जो है फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है और ये जो कंपाउंड बनेगा इसको सी माना हुआ है, तो वो तुमसे यही तो पूछते थे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो तुम्हें मैंने बता दिया है। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आप याद रखेंगे, मैंने बहुत सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आप लोगों को पढ़ाई हुई है, जैसे कि NO2 मैंने बताया था, HNO2 वाली बात बताई थी, नहीं नहीं IIT जैम के लिए भी है, आप लोग ध्यान से देखिए कि अब ये वाली जो रिएक्शंस है, अभी मैं एक एग्जाम के बीच में डिफरेंस क्या है आप बस इतनी सी बात समझिए कि अगर मैं सीधा जैम की बात करूंगा या नेट की बात करूंगा तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए और ये सब तुम्हें पता नहीं है,
और अगर तुम्हें पता नहीं है तो फिर जब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा ना कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, हम जानते हैं ये ऐसा हो जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा कि मैं तो पता नहीं किस लेवल की बात अपने आप डायरेक्ट पढ़ाते जा रहा हूं, हमें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं हर चीज पढ़ा रहा हूं और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे लेक्चर्स ध्यान से देखो। मैं सीधा नेट के लिए, जैम के लिए स्टार्ट करूंगा, तो क्या ये सब बातें तुम्हें पता है? क्या ये सब मैं स्किप करके सीधा स्टार्ट कर दूं? तो ये बात ध्यान रखो कि मेरे लिए भी, मैं भी जानता हूं कि तुम मेरे से पढ़ रहे हो, यहाँ बैठे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, तो ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। और देखो ये सब रिएक्शंस हैं, तो सारी बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है? अब देखो, एक तो क्या बता दिया मैंने, व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में व्हाइट डेंसिटी में प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये डायरेक्ट यूज होंगे, तो मुझे सब पढ़ाना पड़ेगा और हम पढ़ेंगे सुबह, क्या फर्क पड़ता है, घंटा पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। मेरे नेटवर्क में थोड़ी सी इशू आ गए थे तो इसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं तो रोज आयोग के पढ़ाई रहा था, रोज सुबह 10 बजे हम ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब देखो, फॉस्फीन गैस यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में आज मेरी क्लास फॉस्फीन गैस की तरफ ही ओरिएंटेड रहेगी, क्योंकि हर एक चीज ऐसे अगर मैं तुम्हें नोट्स दे दूं तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा, तुम्हें याद ही नहीं होगी। तो मैंने आज बता दिया सोडियम हाइपोफॉस्फाइड जो है डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, जस्ट लाइक H3PO2, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं अपनी क्लास का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, विच इज फॉस्फीन गैस। जब भी किसी नए कंपाउंड को पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, और वो क्वेश्चन ये है कि सर ये फॉस्फीन दिखने में कैसी है, सर ये है क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? तो हम अच्छे से जानते हैं फॉस्फीन जो है पहला पॉइंट, इट्स अ गैस। सर ये दिखने में कैसी होगी, क्या हम इसको देख के पहचान लेंगे? आंसर इज इट्स अ कलरलेस गैस, ठीक है? नेक्स्ट, सर ये पॉइजनस तो नहीं है? बिल्कुल है बेटा, ज्यादा पास जाने की कोशिश मत करना, हाईली पॉइजनस गैस होती है फॉस्फीन। और सर क्या हम इसे स्मेल करके पहचान सकते हैं, क्या इसमें कोई ऑर्डर है? ऑर्डर, आंसर इज यस, ऑर्डर इज जस्ट लाइक रोटन फिश। मैंने सारी गैसेस, आपने मेन ग्रुप के लेक्चर देखे हैं तो मैंने उनका जो स्पेशल ऑर्डर है लिखवाया हुआ है, किसका रोटन एग लाइक है, रोटन फिश लाइक है, सारे लेक्चर्स आपने मेरे देखे होंगे। तो इस बार तुम्हारा एग्जाम, किसी का भी एग्जाम जून के बाद ही है, तो मेन ग्रुप हम उस डेप तक रेडी कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन मेन ग्रुप का छूटेगा नहीं। अभी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। जो नेट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन लेक्चर्स को सुनते रहें, और आप देखना जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं हायर लेवल वालों के, उसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के कंपाउंड, फॉस्फाजीन्स वगैरह सब डिटेल, तो वो तब समझोगे बेटा जब आप ये इनको सेपरेटली समझते होगे। तो एवरी क्लास ऑफ मेन ग्रुप इज फॉर एवरीवन, नेट वालों के लिए और जैम वालों के लिए तो सारी क्लासेस हैं ही, जेई और नेट के लिए जब नहीं होगी तो मैं बता दूंगा, अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फॉस्फीन के बारे में ये बात करना है सर, अब बात यह है कि इस गैस को हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपेयर कैसे करेंगे? और इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं तुम्हें बता चुका हूं, प्रिपेयर करने के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो व्हाइट फॉस्फोरस का, या फिर कैल्शियम फॉस्फाइड। इस तरीके से आपके नोट्स होने चाहिए कि सर हम व्हाइट फॉस्फोरस और कैल्शियम Ca3P2 से प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस से आप जानते हैं कैसे, NaOH ऐड करो इनर्ट एटमॉस्फेयर में, और कैल्शियम फॉस्फाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे कैल्शियम फॉस्फाइड से? तो कैल्शियम फॉस्फाइड से प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, ये तुम यही लिख सकते हो, या तो हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका, या HCl। एक बार रिएक्शन को कंप्लीट करो बिना मेरे बताए, क्या आप लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो? क्या बनेगा इन दोनों का? और ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे अभी पानी पीना है, तो मैं पानी पीने जाता हूं, मुझे 2 मिनट लगेंगे, आप इन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? डील, इट्स अ डील, तुम चाहे हां बोलो या ना बोलो, पानी पीने दो जाऊंगा।
वेलकम बैक। क्या बनेगा? शाबाश बेटा, कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस फॉस्फीन। बहुत तेज हो रहे हो। देखो, कैल्शियम फॉस्फाइड तुम्हें कैसे मैंने बताया था, हाइड्रोलाइसिस वाले रिएक्शंस। कैल्शियम फॉस्फाइड को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, कैल्शियम आयंस आयंस एंड फॉस्फाइड आयन। जब तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यू हैव टू पार्ट, एच प्लस एंड ओ एच आयंस। इस क्लास का मजा यही है कि रिएक्शन रखनी नहीं पड़ेगी, मैं मोस्टली रिएक्शन तुम्हें बता दूंगा। अगर ये नेगेटिव है, इस पर जाएगा ओ एच आयंस, इस पर जाएंगे एच। चार्ज बैलेंस करोगे तो इन केस ऑफ एच टू यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन गैस। इन केस ऑफ एच सी एल यू हैव एच प्लस हियर एंड सी एल नेगेटिव हियर, तो फॉस्फीन तो प्रोड्यूस होगी बट कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। ये है प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फीन गैस, विच इज अ वेरी पॉइजनस गैस, रोटन फिश लाइक स्मेल। तो मैं मार्क कर देता हूं बेटा, ये हजार बार पेपर में पूछा जाएगा, और जहां भी कहीं तुम्हें रोटन फिश की बात की जाए या एक पॉइजनस गैस की बात की जाए, डाइबोरिन भी मैंने ही पढ़ाई थी, वो भी एक पॉइजनस गैस होती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है? अब देखिए, जब फॉस्फीन गैस प्रिपेयर हो गई, यानी पहले हमने क्या जाना, हर सब्जेक्ट को हर कंपाउंड को पढ़ने का तरीका यही है कि वो क्या चीज है, फॉस्फीन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट बातें, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, दूसरी बातें। एक कुछ अगर इंपॉर्टेंट केस है, बिल्कुल है, इसमें इंपॉर्टेंट केस है सर, हाउ डू वी प्यूरिफाई दिस गैस, प्यूरिफिकेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्यूरिफाई कैसे किया जाएगा, तो याद रखना देयर आर टू स्टेप्स। याद है तुम्हें मेटलर्जी जैसा एक चैप्टर हुआ करता था 12th क्लास में, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स करके। उसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एक मोंड्स प्रोसेस नाम का एक प्रोसेस था, ऑब्वियसली प्रोसेस नाम का एक प्रोसेस ही होगा। उसमें हम निकल को रिफाइन करते थे, उसमें निकल जो है उसको कार्बन मोनोक्साइड के साथ एक कंपाउंड बनाते NiCO4, फिर उसको अलग से हीट करके निकल को अलग कर देते थे, कार्बन मोनोक्साइड को अलग करते थे। तो उस केस में प्यूरिफाई क्या होता, निकल। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करते हैं फॉस्फीन के लिए। तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट फॉस्फीन इज अ बेस। हाउ डू वी नो फॉस्फीन इज अ बेस, क्योंकि जो फॉस्फीन है उसके पास एक लोन पेयर है, लेकिन ये हमारी थ्योरेटिकल असम्पशन है। अगर पेपर में आ गया प्रूव दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन है एक जगह एक बुक में कि प्रूव दैट फॉस्फीन इज अ बेस, अगर तुम्हें कभी प्रूव करना पड़े कि ये बेस है या एसिड है, तो तुम प्रूव करो कि फॉस्फीन जो है एच आई के साथ रिएक्ट करता है, करती है, जो भी है ये, तो जो एच आई जैसे एसिड से रिएक्ट करेगा वो बेस होगा ऑब्वियसली। तो फॉस्फीन प्लस एच आई के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, रटना कुछ नहीं है, एच प्लस एंड आई नेगेटिव, लोन पेयर विल बी डोनेटेड टू एच प्लस, तो यू विल गेट पी एच फोर प्लस एंड आई नेगेटिव सॉलिड, ये कंपाउंड तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम फॉस्फीन को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो बुक्स लिखेंगी कि फॉस्फीन को एच आई में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, जहां एच आई के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना लेगा, तो एच आई एक तरीके से एब्जॉर्ब करता है किसको, फॉस्फीन गैस को, सारी की सारी गैस एब्जॉर्ब होके ये बन गया, क्या बन गया ये पता नहीं, भगवान जाने क्या बन गया, नाम मेरे को पता नहीं इसका। सेकेंड स्टेप नंबर टू, पी एच फोर आई, ये प्लस पार्ट या नेगेटिव पार्ट, मैं चाहता हूं ध्यान से समझना कि सर इससे ना वापस फॉस्फीन प्रोड्यूस हो जाए, इसको सेपरेट कर लिया और अब इसको सेपरेटली रख के हम क्या कर रहे हैं, हम फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हम वेरी गुड, वी विल पास इन इट इन KOH। KOH में K इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम NaOH भी यूज कर सकते हो, यूज OH आयंस, एंड OH आयंस एक OH आयन एक स्ट्रॉन्गर बेस है इन कंपेरिजन टू फॉस्फीन। तो अगर H प्लस पीएच थ्री ने एब्जॉर्व किया हुआ है और एक स्ट्रॉन्गर बेस आ जाए, तो वो स्ट्रॉन्गर बेस फॉस्फीन को बोलेगा कि बेटा ये एच प्लस तुम्हारे बस की बात नहीं है, लाओ हमें दे दो। तो ओ एच आयंस इस एच प्लस को लेके क्या बना लेगा, एच टू ओ। पी एच फोर प्लस से अगर एच प्लस चले ही गए तो बेचारी फॉस्फीन गैस फिर से अकेली हो जाएगी। अब ये जो के प्लस है
और ये बेचारा जो ए नेगेटिव आई नेगेटिव है ये सॉल्यूशन में तैरते रहेंगे मजे मजे में। तो दीज आर योर प्रोडक्ट, क्वेश्चन होगा हाउ टू प्यूरिफाई फॉस्फीन गैस एंड आंसर इज फर्स्ट यू विल एब्सॉर्ब इट इन HI एंड सेकेंड स्टेप देन वॉट विल यू डू यू विल एड KOH या बेस एड करोगे जो इससे H+ को वापस ले सके। तुमने एक बार पहले स्टेप में H+ दिया दूसरे में खींच लिया बात खत्म हो गई, फॉस्फीन क्या हो गई है प्यूरीफाई हो गई, प्यूरीफाई इन द सेंस क्योंकि अगर और कोई गैस या इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी वो HI में एब्जॉर्ब नहीं होगी, सिर्फ फॉस्फीन एब्जॉर्ब होगी और फिर फॉस्फीन से अलग हम इसको बना लेंगे और आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या समझ लिया हमने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए एक एक पॉइंट, ठीक है मेरे को ये याद है, क्या मैं ये देख के पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, देखो कुछ बहुत सारी बेसिक बातें ऐसी जो मेरे को ध्यान है इसीलिए जब क्वेश्चन आते हैं मैं बहुत जल्दी से आंसर कर देता हूँ, ये वो चीज़ें नहीं है कि मैंने बोर्ड पे भर दिया पीछे और मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा इसको ये याद कर लो इसको ये याद कर लो, मेन ग्रुप में यहाँ के इसीलिए पढ़ाता हूँ सो देट यू कैन अंडरस्टैंड कि सारी चीज़ें याद करने की नहीं है, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट मेरे को ये रिएक्शन कैसे याद है, क्या मैं तुम्हें एक एक बातें नहीं बताता चल रहा हूँ, क्या मैंने इस रिएक्शन से रिएक्ट करवाते वक्त तुम्हें नहीं बताया कि मैंने कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, और तुम्हारे पेपर में तो बेटा बहुत आसान काम होगा तुम्हें ये चीज़ तो लिख के दे ही रखी होगी कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl में ऐड के, सिर्फ ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, प्योरीफिकेशन वाली बात हमने पढ़ ही ली है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है फॉस्फीन गैस के बारे में कि सर ये फ्लेमेबल है नॉन फ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल गैस है आग नहीं पकड़ती है बट इन द प्रेजेंस ऑफ यहां मार्क कर लेना P2H4 और फॉस्फर P4 वेपर्स इनकी प्रेजेंस में इट कैचेस फायर, तो लिखना फॉस्फीन जो है वैसे तो नॉन इनफ्लेमेबल गैस है, फ्लेमेबल क्या लिख दे मैंने नॉन इनफ्लेमेबल गैसेस होती है लेकिन P2H4 और P4 वेपर्स की प्रेजेंस में इट विल कैच फायर, ये एक बेसिक बात हो सकती है जिसको तुम ध्यान रख सकते हो। हमें जो बातें समझनी है इसके बारे में अब आगे है, प्रिपरेशन हो गई है, प्यूरिफिकेशन हो गई है, फॉस्फीन एक बेस की तरह एक्ट करती है, पॉइजनस गैस है, रोटन फिश लाइक स्मेल रखती है, तो ये सारे पॉइंट अब तक हमने इसके बारे में पढ़ ली है। अब हम बात पढ़ेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, वो है फॉस्फीन के दो बहुत प्रैक्टिकल यूजेस हैं। सर थोड़ा ऊपर ऊपर क्या करूं, देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, एक होता है होम सिग्नल्स, एल होगा बीच में HO, फॉस्फीन गैस इज यूज्ड फॉर होम सिग्नल्स। अच्छा ऊपर लिख लेंगे ठीक है, देखो इसको जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं इसकी पूरी स्टोरी पढ़ाता हूँ, हर चीज़ के साथ एक कहानी जोड़ देता हूँ सो दैट कि वो तुम लोगों को याद रह सके। होम सिग्नल्स उस जमाने की बात है जब तुम लोग पैदा नहीं हुए थे, तो उस टाइम क्या था कि अगर कोई वाटर में काफ़ी ओशियन वगैरह में ट्रैवल करता हो और उसे किसी को कोई सिग्नल देना हो, किस टाइप का सिग्नल, इन द सेंस कि हम पहुंचने वाले हैं या डेंजर है या भगवान जाने यार, सिग्नल्स और कोड वर्ड सबके अलग अलग होते हैं, तुम्हारे वर्ड किसी के लिए कुछ और हो सकते हैं कि मैं जब ये बोलूँगा इसका मतलब ये समझना, अपने फ्रेंड्स के साथ बेस्ट फ्रेंड्स के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंड्स के साथ तुम्हारे कुछ कोड वर्ड्स होते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूँ समझ लेना मम्मी पापा पास में है ना कोड वर्ड्स सिमिलर टाइप दैट। तो होम सिग्नल्स जो हैं ये सिग्नल किसके लिए, मम्मी पापा के लिए नहीं है, ये थे जो इंसान ओशियन में ट्रेवल कर रहा है इन लहरों में समुद्र की लहरों में ऑन अ बोट, आज मैं तुम्हें समुद्र की गहराइयों में लेके जाता हूँ और मैं तो समझाता हूँ कि सिग्नल कैसे वर्क कर रहे हैं। अब इस सिग्नल की केमिस्ट्री देखो क्या है, वो किसी दूसरे बंदे को जो बहुत दूर कहीं यहाँ खड़ा हुआ है पेड़ की छाव में नाव के इंतजार में, कोई यहां तुम्हारा दोस्त पेड़ को पकड़ कर खड़ा है और तुम लोगों को इसे सीरियसली तुम मुझे रिपीट करने को कह रहे हो, मैं तुम्हें एक बहुत ही लॉजिकल बात समझाता हूं, अगर तुम इस वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ट्राई करो उसको देखो। अब तुम्हें यहां पे क्या करना है, तुम हो यहां
दिस इज यू। मेरे ड्राइंग में हमेशा ही ए प्लस ग्रेड मिलते थे मुझे, और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही एक जिंदा तस्वीर, तुमने वेलकम पिक्चर देखी है, उसमें जो मजनू भाई है वो किससे इंस्पायर्ड है, वो मुझसे इंस्पायर्ड है। तो देखो अब तुम्हें सिग्नल लेना है कि मैं पहुंचने वाला हूं, या भगवान जाने तुम्हारे क्या फॉरवर्ड है, तो तुम सिग्नल कैसे दोगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने क्या किया, बहुत श्याणे हो तुम लोग, तुमने एक बॉक्स प्रिपेयर किया। कैसा बॉक्स? ऐसा बॉक्स इसमें ऊपर जगह है और वो बॉक्स नीचे से परफोरेटेड है। परफोरेटेड समझते क्या होता है, दैट मींस छोटे 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 होल्स है उसके अंदर। तुमने इसके अंदर दो चीजों को ऐड किया है, केमिस्ट्री को देखिए बेटा, एक है कैल्शियम फोस्फाइड और दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। तुमने कैल्शियम फोस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड को इस बॉक्स के अंदर डाल दिया और फिर तुमने इस बॉक्स को ऐसे नीचे पानी में छोड़ दिया है। अब होगा क्या, जैसे ही तुमने ये वाला अपना बॉक्स इस पानी के ऊपर रख दिया है तो नीचे से वाटर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट टू एंटर। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड का होने लगेगा हाइड्रोलाइसिस। परफोरेटेड किया है ताकि वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे ना आ जाए एकदम से, थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल आएगा। एंड व्हाट विल यू ऑब्जर्व, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस मैंने पढ़ाया है और मैं जानता हूं, देखो इसमें H प्लस है और OH आयन पार्ट है और कैल्शियम में कैल्शियम 2 प्लस है और कार्बाइड में C2 4 नेगेटिव है। तो तुम्हें मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब मैंने पढ़ाया था, और आप लोगों ने आंसर किया होगा एसिटाइलीन गैस, विच इज इन्फ्लेमेबल गैस, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। और इन दोनों की अभी मैंने बताया है हाइड्रोलाइसिस से क्या प्रोड्यूस होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फिन। तो एसिटाइलीन गैस जैसे ही यहां पड़ेगी तो फॉस्फिन वैसे नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है, लेकिन अगर ये इग्नाइट हो जाती है और ये जलने लगेगी तो फॉस्फिन भी इसके साथ जुड़ जाएगी। और मैंने ये वाली चौक इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो रेड कलर के फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं। ऊपर हमने जगह क्यों दी है, ताकि एक रेड कलर के फ्लेम्स को निकलने की जगह रहे। अब ये निगाहों से मिलेंगी थ्रू सिग्नल, तुम्हारा जो भी मैसेज है कि हम आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। रिएक्शन आइसोथर्मिक ऑब्वियसली, तो फॉस्फिन गैस विल बर्न विद रेड फ्यूम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसको बोलते थे होम सिग्नल, एल साइलेंट है। मेरे को नहीं पता इसका ये होल ऑब्वियसली साइंटिस्ट का नाम लग रहा है इसलिए उसने ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन तुम्हें इस स्टोरी में नहीं खोना है कि हम इस तरीके से सिग्नल दे सकते हैं। तुम्हारे काम की चीज बेटा ये है, मैं जानता हूं तुम्हें काम की चीज लग रही है ये, बट दिस इज नॉट काम की चीज, ये काम खराब करने की चीज है। काम की चीज इज दिस, आप केमिस्ट्री जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड द सब्जेक्ट। बात समझ आ रही? अब हम बात करते हैं कि इसका और कहां इस्तेमाल है। दो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, इसी तरह हमने केमिस्ट्री जो है इसकी वो भी सीख ली है। दूसरा यूज जो है, इसको होम सिग्नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का नाम होगा, या फिर जब होम पे कोई नहीं होता है तब ये सिग्नल दिए जाते हैं कि नो वन इज एट द होम। सी नेक्स्ट इज स्मोक स्क्रीन्स। अब अगर हम बात करते हैं स्मोक स्क्रीन्स की, कितने अच्छे अच्छे यूजेस हैं, हमें स्मोक स्क्रीन को समझना है क्या होता है। स्मोक स्क्रीन नाम से जैसे कि हमें पता लग रहा है कि पहले स्मोक और फिर स्क्रीन, जी नहीं, इसका मीनिंग ये होता है कि आप एक स्क्रीन, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया था मैंने तुम्हें, स्क्रीनिंग मींस प्रोटेक्शन। तो यू विल क्रिएट अ स्क्रीन दो लोगों के बीच में दीवार। थोड़ी देर पहले तुमने दो लोगों को मिलाने के लिए एक सिग्नल की बात की थी, अब तुम दो लोगों को बिछाड़ने की बात कर रहे हो, यानी कि बीच में एक दीवार। जमाने की दीवार नहीं है ये दीवार किसकी है, स्मोक की है। यानी कि तुम एक चीज प्रोड्यूस करना चाहते हो कि इनके बीच में एक स्मोक स्क्रीन प्रोड्यूस हो जाए, जिससे एक दूसरे की निगाहें जो बहुत मिल रही थी। यानी कि अभी इससे पहले वाला स्टेप क्या था, इससे पहले वाला स्टेप था जमाने से दूर आके दो लोग निगाहों से
निगाहों की बातें कर रहे थे। अब ये जमाना ऐसा होने नहीं दे सकता ज्यादा टाइम तक। वो चाहता है तुम्हारे बीच एक दीवार क्रिएट कर दे। अब उस दीवार को कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, तो अब ये बात हम समझ लेते हैं स्मोक स्क्रीन। अच्छा, मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि स्मोक स्क्रीन जो होती हैं, पानी पी लेता हूँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा प्यास लग रही है। अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है पढ़ाने को बेटा। ओके, बैक। देखो, तो फॉस्फीन गैस को स्मोक स्क्रीन के लिए कैसे यूज किया जाता है, तो ये बात ध्यान रखना कि क्या तुमने वो पिक्चर देखी है, बॉर्डर पिक्चर। बोलो भाई, क्या तुमने बॉर्डर पिक्चर देखी है, सनी देओल वाली? सनी देओल की पिक्चर देखी होगी तो ही तुम स्मोक स्क्रीन को समझ पाओगे। वेरी गुड डेंस। देखो, तुम्हें मैंने अभी बताया था, जब P4O10 बनेगा, P2O5 एक तरीके से P4O10 का ही मोनोमर है, तो वाइट डेंसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन सवाल ये है कि P4O10 के डेंसिटी प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, वो तो हो जाएंगे फॉस्फीन की प्रेजेंस, फॉस्फीन को हिट करेंगे या इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, जो भी है। अब तुम्हें ये बात समझनी है, तुम्हें ये समझना है कि क्या हुआ बॉर्डर पिक्चर में। मेन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है। तो ये बात उस समय की है बॉर्डर पिक्चर में, जब जो धर्मवीर था, तुम क्या धर्मवीर को जानते हो, क्या तुम्हें याद है? बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ कि बॉर्डर पिक्चर को नहीं देखे होंगे, तो लेकिन जिन्होंने देखा है वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो धर्मवीर जो था वो इंडियन आर्मी में था और उसके फादर का नाम था मेजर वीर भान। तो मेरे को सारी स्टोरी क्यों याद है, क्योंकि मेरे को फिल्मों के डायलॉग बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, मेरी मेमोरी भी मैथ्स नहीं होती मेरे से, तो इंटरेस्ट वाली बात है। अब होता यह है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी आर्मी पे हमला करने के लिए आ रहा है टैंक्स को लेके, ठीक है। तो हम जो सनी देओल है वो क्या करता है, अपने कुछ 4-5 लोगों को भेज देता है ये पता करने के लिए कि टैंक्स की डायरेक्शन क्या है, वो कहाँ जा रही है। तो धर्मवीर जो है वो उन टैंक्स को फॉलो करता हुआ चलने लगता है कि ये टैंक्स किधर जा रहा है, और वो सनी देओल को रिपोर्ट करता रहता है अल्फा टू डेल्टा ऐसे करके, ठीक है। अब होता ये है कि जो सनी देओल है वो उसको बताता है टैंक जो है वो तो पोस्ट की तरफ को आ रहे हैं, पोस्ट के पास पहुंच जाते हैं। धर्मवीर जो है टैंक को फॉलो करते करते यहां पहुंच जाता है कि सर हम तो अपनी पोस्ट की तरफ को ही बढ़ते जा रहे हैं। अब फाइट स्टार्ट हो जाती है इनके बीच में। जब इनके बीच में फाइट हो रही है तो धर्मवीर कह रहा है कि भाई मैं यहां बैठ के क्या करूं, मैं क्या फाइट देखूं, क्योंकि अपने लोग वैसे ही कम है। तो धर्मवीर का पॉइंट ये है कि सर मैं चाहता हूं अपनी पोस्ट पे वापस आना, ठीक है, और अगर मैं अपनी पोस्ट पे वापस आना चाहता हूं तो कैसे आऊं, ये मुझे मार देंगे। तब ये कहता है मुझे कवरिंग फायर चाहिए। तुमने कई पिक्चरों में देखा होगा अल्फा टू डेल्टा आई नीड कवरिंग फायर, आई रिपीट आई नीड कवरिंग फायर। दैट व्हाट डज दैट मींस, इसका मतलब ये है कि तुम इतना स्मोक प्रोड्यूस कर दो किसी तरीके से कि उनकी आंखों में घुस जाए, और जब वो अपनी आंखों को ऐसे कर रहे हों उस टाइम में भाग के पोस्ट के ऊपर आ जाऊंगा। तो व्हाट डू वी नीड अ कवरिंग फायर मींस एक तरीके से P4O10 भी यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने P4O10 यूज किया कि नहीं किया, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ स्मोक स्क्रीन में कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं सनी देओल वगैरह, वो जिसको हम कहते हैं ना बहुत ही सारा धुआं कर देते हैं, ऐसे एक बम को फेंक देते हैं और बहुत सारे एक स्मोक स्क्रीन इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तानीज, ठीक है। अब बीच में उनको मैं आर्मी नहीं बोलूंगा, ठीक है, तो इंडियन आर्मी है वो पाकिस्तान वाले हैं बस। अब जब स्मोक स्क्रीन प्रोड्यूस हो गई है तो धर्मवीर जो है पोस्ट के ऊपर चढ़ने लगता है और पोस्ट पे पहुंच जाता है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया इस पिक्चर में कि सिर्फ एक दो आदमी जो है सिर्फ उसी को लेके वो पोस्ट तक पहुंचे। इंटरेस्टिंग बात जो है, क्योंकि सारे तो मरी गए ऊपर आते आते, उन्होंने गोली मारनी शुरू कर दी, एंड देन मोस्टली मर गए
और धर्मवीर भी पता नहीं किसी तरीके से पहुंच पाया। ऐसी कवरिंग फायर का क्या करना है जब तुम्हारे सारे लोग मर ही गए? तो कॉन्सेप्चुअली इट वॉज टोटली रॉन्ग थिंग। तो स्मोक स्क्रीन समझ में आ गया सबको, वो जो धुएं की स्क्रीन बनती है, ये वो वर्ड हैं जो हमें बचपन से कभी समझ में नहीं आए। मैंने इन सब की स्टोरी इसलिए बताई है बेटा क्योंकि ये दो वर्ड होंगे, याद रखना, तुम्हारे जूनियर्स तुमसे जब भी पूछेंगे वो ये पूछेंगे होम सिग्नल्स क्या होते हैं और स्मोक स्क्रीन क्या होते हैं, और तुम उन्हें ये नहीं बताओगे कि स्मोक स्क्रीन क्या होती है, तुम उन्हें यही स्टोरी सुनाओगे जो मैंने तुम्हें सुनाया है। पबजी इज द बेस्ट एग्जांपल। एग्जैक्टली, तो आप अपने गेम को भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने फोर्स स्क्रीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता दी है, स्मोक स्क्रीन वगैरह क्या होती हैं, होम सिग्नल्स क्या होते हैं, फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं उन सब के स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, उन सब के नाम लिखने के तरीके मैंने बताए हुए हैं। ऑलरेडी चैप्टर के सारे लेक्चर यूट्यूब पे हैं, मेन ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन H4, चलो बेटा, P2O5, इसका स्ट्रक्चर में क्वेश्चन हो सकता है कितने पीओपी लिंकेज है, कितने पीपी लिंकेज है एंड इसकी बेसिसिटी कितनी है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हैं। हाँ, पबजी के अस्वस्थ थामा, इस पर ध्यान दो। अब तुम्हारी दिक्कत यह है, तुम इमोशनल हो। कैरी मिनाती ने कहा है कि यहाँ की जनता जो है इमोशनल है, बस आगे क्या कहा है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे देश की जनता इमोशनल है। दिस इज सो ट्रू। अब पबजी में घुस गए बिल्कुल, वापिस आ जा बेटा। तो जल्दी से बताओ, पीओपी लिंकेज, पीपी लिंकेज और बेसिसिटी, करो इसको क्वेश्चन को, मजे मत लो ज्यादा। पांच लिंकेज होंगी इसी का, पांच लिंकेज इस चीज की हैं। पीओपी लिंकेज पांच है, एक पीओपी लिंकेज है। क्या पीओपी लिंकेज होनी चाहिए, हम कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है कि कितनी लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो तब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ओ माय गॉड, मैं सारी फिर से, 4x 4 प्लस 2x इक्वल्स टू 10 6, दिस वाज सो इजी, प्लस 3। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम होती है तो क्या पीओपी लिंकेज आती है? आंसर इज नो, तो पीओपी लिंकेज नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने सिर्फ स्पेशली इसको पूछा है क्योंकि यही वो एग्जांपल है जो तुम्हारी उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर नहीं होगा। तो इसमें याद रखना, एक पीओपी लिंकेज है और फॉस्फोरस अपने ऑक्सो एसिड में इस टाइप का स्केलेटल स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है जो मैंने डिटेल में समझाया है, और मैंने इस स्ट्रक्चर को मार्क भी किया था। चार हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से ही जुड़ना प्रेफर करेंगे। अब ऑक्सीजन कितने बचे? पांच थे, तीन यूज हो गए, OH, OH, H और H. बेसिसिटी इज 2। क्लियर हो गई बात? तो फॉस्फोरस के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, प्लस उन ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेसिसिटी प्रेजेंट पता होना चाहिए, H3PO4, H3PO3, H3PO2 ये पता होना चाहिए कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसके पास पीएच बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसके पास ओएच बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो अच्छा एसिड होता है। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अब मैं एक रिएक्शन बताता हूं, देखो हर रिएक्शन को समझा जा सकता है, अगर तुम याद नहीं भी करना चाहते हो। यहां पर एक रिएक्शन दी हुई है कि एक तो H3PO2 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, वो तुम्हें लिख लेना उसको मार्क करके कि इसका ऑक्सो एसिड के बारे में H3PO2 डिस्प्रोपोर्शनेट होता है किसमें, मैंने अभी लिखवाया था फॉस्फीन एंड H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड में। एक तो ये वाला पॉइंट आप लोग सभी याद रखेंगे। दूसरी बात, इसके बारे में एक रिएक्शन है कि AgNO3 रिएक्ट्स With H3PO2। अगर पेपर में ये आ गया तो तुम में से कितने लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं? एक बार इसे कंप्लीट करने की कोशिश करो और मुझे बताओ क्या बनेगा। कंप्लीट कर सकते हो? जो आता है उसे तो बहुत जल्दी कर देते हो। H3PO2 है ये, यहां Ag+1 में है, फॉस्फोरस+3 में। तुमने बचपन से ये जरूर पढ़ा है बेटा कि सर H3PO2 इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसमें पीएच बॉन्ड है, लेकिन तुमने उसे यूज ही नहीं किया कहीं।
हाँ समास Ag2PO4। तो तुम्हारे लिए केमिस्ट्री का मतलब है इसका उसके पास, उसका इसके पास, कुछ भी कर दो। पहले मैं जो सिखा रहा हूं केमिस्ट्री, वेरी गुड, HNO3 इज राइट आंसर पांडे, पांडे जी, पांडे के साथ जी लगता ही है। देखो अगर हम बात करते हैं कि यहां पे क्या हुआ है, तो एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, चलो मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो Ag+ का रिडक्शन होगा, क्या बनेगा, वेरी गुड, एक तो इसका हो गया रिडक्शन बेटा, Ag+ से Ag, यानी इसको ध्यान रखना, इसका होगा ऑक्सीडेशन H3PO4, समझ में, प्लस वन से जीरो, प्लस थ्री से प्लस फाइव। अब बेचारे नाइट्रेट आयन तो किसी के नहीं रहे, क्योंकि Ag+ के साथ जुड़े हुए थे, और Ag+ जो है वो तो बेचारे Ag में रिड्यूस हो गए, चार्ज तो रहा ही, तो नाइट्रेट आयन घूम रहे होंगे, H3PO2 के पास H भी तो है, अरे खुद ही सोचो H3PO4 भी एक एसिड है, तो H इसके पास जुड़ जाएगा, तो इट विल गिव यू HNO3। तो ये है तुम्हारे प्रोडक्ट, देखो ये रिएक्शन तुमने कभी पढ़ी नहीं होगी, और मैं कह रहा हूं क्या अब ये पेपर में आ गया तो क्या तुम इसे कंप्लीट नहीं कर सकते अपने आप, कर दोगे, और मैं यही सिखा रहा हूं, हर एक रिएक्शन में तुम्हें यहां दिखा दूंगा मेन ग्रुप में, और ऐसे रिएक्शंस मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते हैं। यहां यह पता चल रहा है कि H3PO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर रहा है, जिसका Ag सिल्वर का रिडक्शन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नाइट्रेट आयन का चार्ज बैलेंस करना है। बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में क्या सीखा हमने, आज की क्लास में फॉस्फोरस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी पढ़ ली है। नेक्स्ट क्लास में, अब रेगुलर क्लास होगी क्योंकि नेटवर्क इशू ठीक हो गए, हमारे वाईफाई दोबारा चालू हो गया है, रोज सुबह 10 बजे हम मिलेंगे, और 10 दिन भी अगर कंटिन्यू क्लास ले ली मैंने, बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती चली जाएगी आप लोगों की। हाँ बस ये बात ध्यान आना, इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लो और प्रेजेंट रहो सारे के सारे जब मैं सुबह क्लास ले रहा हूँ, आप लोग होते हैं साथ में तो पढ़ाने का मजा आता है, आप साथ में नहीं होंगे तो मैं बिल्कुल भी स्टोरीज नहीं सुनाता हूँ फिर, आप जानते हो मुझे, ठीक है? तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज जो करना है करो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। मेन ग्रुप मैंने यही बोला बेटा, अभी जब मैंने आप लोगों को ये कहा कि अब से हम रोज 10 बजे मेन ग्रुप पढ़ेंगे, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि हम रेगुलर करने वाले हैं? ये बहुत ऑब्वियस हो गई ये चीज़ें कि हाँ हम रेगुलर पढ़ेंगे होम सिग्नल में, नहीं डिफरेंट डिफरेंट कलर के बारे में मैंने कभी होम सिग्नल में नहीं पढ़े हैं, रेड कलर के जो है फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं, मैंने ऐसा ही पढ़ा है। अगर तुम लोगों ने कहीं डिफरेंट पढ़ा है कि सर और भी डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तुम्हें रंगोली बनानी है रंग की, तो आप लोग ज़रूर इस पे कमेंट कर देना इस वीडियो पे, क्योंकि मैं कितने डेप्थ तक सब्जेक्ट पे गया हूं। अब फॉस्फीन की मेरे को पूरी जिंदगी नहीं जाननी है कि उसमें क्या होता, मैंने अपने कोर्सेज के हिसाब से जितना अपनी लाइफ में पढ़ा है आप लोगों को उतना बता रहा हूं, पर अगर आपको कोई भी डाउट होगा बेफिक्र रहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं इस चीज को, मैं फॉस्फीन की PhD कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका जरूर आंसर देने की कोशिश करता हूं। ये लेक्चर आप लोग यहीं पे देखेंगे, पहली बात तो रेगुलर और लाइव आके तभी पढ़ाने का मेरे को अच्छा लगता है, वैसे तो एक बच्चा भी होता है तो भी मेरे को बहुत ही मजा आता है। सर हाँ केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुका है, हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रेफाइट जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अभी टेंशन मतलब बेटा ग्रेफाइट के लिए वीडियो देखते रहो, अभी पढ़ाऊंगा इंटरकैलेशन कंपाउंड, ग्रेफाइट में हम किस तरीके से कुछ चीजें ऐड करके उसकी कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, सब पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा, डोंट वरी। ओके प्लस वन में पी होगा इन H3PO2, यस यस यस, यू आर सो राइट, वेरी गुड बेटा, सारा देखो ये काम मैं कर देता हूँ बहुत बार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि मैं बनता हूँ बहुत ही ज़्यादा फास्ट और मैथ्स है मेरी बहुत स्लो, तो इसीलिए मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस चीज़ में स्लो हो, अगर मेरे को पेपर में क्वेश्चन आता है तो मैं आज भी इसकी एक्सरसाइज निकालूंगा, मेरे को याद कुछ नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि जिसकी मेमोरी मेरी तरह वीक है उसके बावजूद भी मैंने अपने सारे एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। इट ओनली गोज टू प्रूव वन पॉइंट कि जितने भी एग्जाम हमारे आसपास होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं, आप लॉजिकली सोच समझ के आंसर कर सकते हैं, रटने से कुछ नहीं हुआ। सेस्क्यू ऑक्साइड मैंने पढ़ाया था, क्या आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिसके साथ 1.5 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। देखो अगर किसी भी मेटल के एलिमेंट के साथ 1.5 मतलब 1+1/2 विच इज 3/2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, इनको सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं, डेड, तो वहां से समझ लेना सेस्क्यू मतलब होता है डेड, 1
0.5. तो अब तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस करने के लिए, तो M2O3, और सब ऑक्साइड मैंने बताया था मेटल ज्यादा होगा और एलिमेंट कम होगा, जैसे कि C3O2। क्लियर है? शाबाश, पूछो। B2O3, यस, B2O3 इज एन एग्जांपल ऑफ सेस्की ऑक्साइड। तुम ये नहीं कहोगे वो बोरोन की सेस्की ऑक्साइड है। वेरी गुड। हाँ, मिसलर एंड टार से पढ़ना चाहिए। आप किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? अगर आप IIT जैम या नेट के लिए बात करें तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? नेट वाले बच्चों को तो मिसलर एंड टार पढ़नी ही चाहिए। कुछ बुक्स हैं इनऑर्गेनिक की, मिसलर एंड टार है, हुई है, ये बुक्स आपको नेट वाले बच्चों को एक बार जरूर देखनी चाहिए मेन ग्रुप के लिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री के पीछे पढ़ चुका है ऋषभ, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, पहले मेन ग्रुप खत्म करेंगे। अब अपने पास टाइम है, मेन ग्रुप खत्म करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, मेटर्जी एनालिटिकल, इनके पीछे मैं पढ़ूंगा। अभी देख लो आसपास बहुत दुनिया पढ़ा रही है कुछ भी, तो आप लोग वहां जाओ, फायदा उठाओ चीजों का। जो पढ़ा रहा है उससे जितना सीखने को मिलता है सीख लो। एनालिटिकल कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, बट टाइम वेस्ट ना हो। ये बात जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे कि टाइम वेस्ट ना हो। देखो, जरूरी नहीं है जो फ्री में मिल रहा है वो तुम्हारे काम की चीज, फ्री में जहर भी मिल सकता है, ठीक है? उसे खा के मरना नहीं है हमें। तुम्हें लगता है कि सर हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है तो अवॉइड, तो फिर कुछ देखना ही नहीं है। तुम्हें लगता है सर कुछ टॉपिक कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं और हमें लग रहा है हेल्प हो रही है, तो पढ़ो भाई अपने फ्यूचर के लिए। जिसको यूज करना है, जिससे पढ़ना है, वो हम पढ़ सकते हैं। यार मेरे को अभी ध्यान आ गया ये वाला, तुमने मेरे से पहले भी पूछा था, CuCl5 2 नेगेटिव था। आई एम रियली रियली सॉरी मैं, ठीक है, इसको मैं भी लिख लेता हूँ, ये पक्का, इस पिछली बार मैंने डिलीट कर दिया। MOT YouTube पे नहीं है, MOT मैंने YouTube पे नहीं पढ़ाई है, MOT is on Campfect Education ऐप पर है, इसी का ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है? जैम के लिए कौन सी बुक पढ़ना पड़ेगा मेन ग्रुप के लिए? जैम के लिए आप लोगों को मैं JDLee प्रेफर करूंगा, JDLee सफिशियंट है मोस्टली। कुछ चीज़ें उसमें गलत होती है, पर मैं ऐसा मानूंगा कि हर बुक में कुछ भी गलत हो सकता है, तो किसी बुक को, क्योंकि हम जब BSc में थे तो ग्रेजुएशन लेवल पे, तो JDLee हमने रेफर की थी, और JDLee में दिखा देता हूँ, देखो क्या मेरे पास JDLee बुक है, कितने लोगों को लगता है मेरे पास JDLee बुक होनी चाहिए। सी, ये है JDLee बुक, ठीक है? इसको भी पढ़ लोगे ना तो बहुत ज्यादा है, इसको पढ़ना ही सदर दिया। ये देखो, तुम मेरे को क्या समझते हो, हैं? ये देखो, दिस इज ऑल्सो अनदर वर्जन ऑफ JDLee, दिस इज फॉर IIT JEE एडवांस, ठीक है? और हुई जैसी बुक है, और मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है, किताबें फैली रहती इधर से उधर। यस राहुल, क्या पूछा राहुल ने, मैसेज करे तुम्हें, राहुल ने कुछ नहीं पूछा, राहुल ने सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क भेजा है, क्वेश्चन मार्क का आंसर इक्वल टू व्हाट, मेरे को समझ, एक बार लिख के राहुल दोबारा से अपने क्वेश्चन को लिख दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? वेरी गुड, एग्जाम कब होने का चांस है? तुम ऐसे क्यों हो, पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि एग्जामिनर जो है, मेरे रिश्तेदार हैं, जो मुझे पता होगा कि वो कब एग्जाम कंडक्ट करना चाह रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, घर पर बैठो, टाइम, इन चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो, वो पेपर कब होगा कब नहीं होगा, तुम अपना प्रिपरेशन रेडी रखो, ठीक है? चलो, मैं समझ गया हूँ तुम्हें, तो ये बात ध्यान रखो, मैं जानता हूँ एज ए स्टूडेंट। एक काम करेंगे, मैं एक दिन ना अलग से सेशन बनाऊंगा, उस सेशन में मैं ऐसे बोर्ड के सामने नहीं खड़ा, मैं आराम से बैठ जाऊंगा कोल्ड ड्रिंक लेके, और फिर तुम मेरे से जो भी सवाल पूछना चाहते हो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हमारी जिंदगी में बहुत दुख है उसका हम क्या करें, या फिर तुम जैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ के सवाल पूछना चाहते हो, तो मैं उसके लिए क्लास वाला टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अलग से आ जाता हूँ, तुम मेरे को बता दो कब। चलो, तुम्हारी बात मान ली, तुम्हें बहुत सारे सवाल पूछने ना जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो एक दिन फ्री होकर बैठते हैं शाम को, और फिर हम ये डिस्कस करते हैं जिंदगी क्या है, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ठीक है? ये सब बातें करनी है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई की तो बातें करनी नहीं, हम देख रहा हूँ क्वेश्चन तो बढ़िया पूछ नहीं रहे कुछ भी, एग्जाम कब होगा ये होगा, ठीक है? मैं ठीक है, डन है, चलो ठीक है भाई, मैं बहुत ही जल्दी एक सेशन रखूंगा, केमिस्ट्री लेक्चर सर विद कोका कोला, ये वेरी गुड, इसको ऐसे एज विद कोका कोला अजीब लग रहा है, कुछ और अच्छा सा नाम बताओ मुझे कि जिसको मैं थमनेस्ट्री सेशन है, कोई बढ़िया सा नाम सजेस्ट करो कि जिससे लगे कि हाँ सर उस पर हम, ठीक है? हाँ, एक सेशन जिंदगी के नाम, बहुत खूब, बहुत हार्ड भाई जिंदगी के नाम, शाबाश। चलो,
तो बात करेंगे बैठ के किसी दिन, क्योंकि तुम तो मजे से बैठे हुए हो अपनी जगह पे, ठीक है, और मैं भी अपना उसके बाद एसी चला के, गर्मी देखो कितनी हो रही है, तो बैठ के तुमसे बातें करूंगा। चलो मैं जल्दी करता हूँ बातें जो भी करनी है, ठीक है, ठीक है बेटा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक सेशन आपके साथ बनता है सर, ठीक है, चलो फिर ठीक है, डन। अगर तुम इस पे कमेंट कर रहे हो कि सर सेशन ही चाहिए, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे, रुक जाओ ना, ब्लैक डॉग, ऐसे ऐसे कृपया, ऐसे वर्ड भगवान के लिए, ऐसी चीजें बिल्कुल भी आप यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये क्लास है, और क्लास को देखो मैं मस्ती करता हूँ लाइफ में फुल, बट हमें ये पहचानना चाहिए कौन सी स्टेज किस चीज़ के लिए है और किस चीज़ के लिए नहीं है। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तुम लोगों के साथ अरेंज करता हूँ, अब मेरे को आइडिया लग गया है, मस्ती करेंगे, बातें करेंगे बहुत सारी, फिर पूछना, फिर तुम पूछना तुम्हें क्या पूछना, ठीक है, चलो बाय, बी टेक केयर, ध्यान रखो।